विंटर कार्निवल में गायकी का लोहा मनवाकर प्रथम स्थान हासिल करने वाले सुब्रत शर्मा अपने आगे चलकर पार्श्व गायक बनकर अपने सुरों से लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं। परिवार से भी गायकी का पहला सबक सीख सुब्रत शर्मा लगातार अपने फन में निखार ला रहे हैं। मंडी जिला के इस युवक को विंटर कार्निवल में मिले पहले स्थान पर हर ओर से वाहवाही मिल रही है। मंडी में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सुब्रत शर्मा ने बताया कि वह पदर क्षेत्र के पाली गांव से संबंध रखते हैं और गायकी उन्हें परिवार से ही विरासत में मिली है। सुब्रत के मुताबिक उनके पिता गोपाल शर्मा, जो वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनात हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं। पिता से ही गायकी का पहला सबक सीखा और संगीत साधना में माता हर्षा शर्मा की प्रेरणा भी काफी काम आई। सुब्रत ने बताया कि उनका भाई मुकुल शर्मा विधि स्नातक है और वह भी गायक हैं और स्वयं ही अपने गाने लिखता है और उन्हें संगीत भी देता है। सुब्रत कहते हैं कि गायकी उनके परिवार की रग रग में बसी हुई है और परिवार की प्रेरणा व मार्गदर्शन के साथ साथ वह कल्याण ठाकुर व बलदेव नारंग से गायकी की बारीकियों को सीख रहे हैं। सुब्रत ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य पार्श्व गायक बनना है और उम्मीद है कि शीघ्र ही ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। काबिले गौर यह है कि सुब्रत शर्मा अपने स्कूल के दिनों से ही संगीत की गहरी रुचि का जलवा दिखा चुके हैं। स्कूली खेलों के दौरान पद स्कूल में फोक सॉन्ग में हिस्सा लेकर प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया था। सारेगामा कार्यक्रम में वह स्टूडियो राउंड तक पहुंचे। 2012 में वॉइस ऑफ हिमालयन स्पर्धा में जूनियर वर्ग में प्रथम रहे। 2015 में हमीरपुर में आयोजित सुरताज संगीत स्पर्धा में प्रथम स्थान पाया। इसके अलावा सुब्रत शर्मा ने कई स्पर्धाओं में अपनी गायकी का लोहा मनवाया है। हाल ही में मनाली में आयोजित विंटर कार्निवल में उनकी गायकी ने हर किसी का मन मोह लिया और सुब्रत ने पहला स्थान हासिल कर अपना व अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस मौके पर उनके साथ उनके पिता गोपाल शर्मा, माता हर्षा शर्मा, भाई मुकुल शर्मा भी उपस्थित रहे। संगीत की शिक्षा सुन के ही है कि संगीत का काफी शौक था, उसमें जूनियर वर्ग में मैंने इस संगीत के क्षेत्र में जो मैंने कदम रखा है और मैं मेरा एक हालांकि बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनना है जूनियर कैटेगरी में हासिल किया था। उसके पश्चात 2011 गए थे जिनकी फिनाले होना, 6 जनवरी को इसका फिनाले था जिसका नाम हासिल किया था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंद्रह। 2016 में जो हमारे स्कूल जी पूरे हिमाचल लेवल का जो सिंगिंग कंपटीशन था उससे वॉइस ऑफ मंडी जो सिंगिंग कंपटीशन था उसमें सीनियर वर्ग में पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी मुझे बाहर से भी कंटेस्टेंट साउथ लोग कुल मिलाकर 35